देख रहे हैं सिटीलियन न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुन, एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। गांधी अस्पताल में आज भी अमले की लापरवाही मंजर आम पर आई है, जब कोरोना से मुतासरा एक मरीज की मौत वाकई हो गई और उसकी नाश 8 घंटे गुजर जाने के बाद भी वहीं कोरोना वार्ड में बेड पर पड़ी रही, जिसकी वजह से वार्ड में बदबू फैलने लगी। आसपास के मरीजों की जानिब से लाख मन्नतों के बावजूद भी मरीज की नाश नहीं हटाई गई, जिस पर खुद मरीजों ने वार्ड छोड़कर बाहर निकल लिया। सिद्दीपेट के सरकारी अस्पताल में आज रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड वार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस वार्ड में 20 बिस्तर पर मुश्तमिल ICU वार्ड बनाया गया है। इफ्तिताह के बाद वजीर मौसूफ ने वार्ड का तफसीली मुआयना किया और डॉक्टरों से कोरोना के मरीजों को पहुंचाए जाने वाले इलाज के मुतालिक भी तमाम तफसीलात फराहम की हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल महबूबनगर में आज रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कोरोना के रैपिड टेस्ट का आगाज किया है। इस मौके पर इन्होंने आवाम से अपील की है कि कोरोना के आसार पाए जाने वाले मरीज यहाँ आकर बिला खौफ व क़दर फौरी अपना टेस्ट करवाएं। इन्होंने ये भी बताया कि सरकारी अस्पताल में महबूब नगर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना स्पेशल वार्ड मौजूद है, जहां कोरोना का मयारी इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर गौड़ ने डॉक्टरों के दीगर तिबी अमले की सताइश भी करते हुए कहा कि वो मुसीबत की इस घड़ी में आवाम की बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट अस्पताल रामकिशन व दीगर मौजूद थे। గతంలో కరోనా వచ్చినప్పుడు పూనాలో టెస్ట్ చేయించారు,
करोना वे ओनली गांधी हास्पिटल केवल रूम ने वड़कल हास्पिटल वड़कल करोना हास्पिटल मैं मौजूद एर्पट्ठे करोना ट्रीटमेंट चाल मंदिर इक नयन सीरियस उठे गांधी को पंपी अच्छे मल्ल जी मेडिकल कलाशाला पुटा श्रीनिवास गंदल मंद की होम क्वारंटन द्वारा चयन जी प्रईवेट हास्पिटल भयपड़ने रोज डाक्टर रामकृष्ण गार धैर्य का इकने ट्रीटमेंट जरूरी डाक्टर अंदर सहको मैं इकडने टेस्टिंग किट प्रारंभ మావనారలో ఎవరికైనా దగ్గు జ్వరము అనుమానం కరోనా వచ్చి అనుమానం వస్తే భయపడకండి భయంతో దాచుకోకండి రోగాలు అనేది వస్తాయి ప్రతి మనిషికి వస్తుండొచ్చు వచ్చినంత మాత్రం ఆ రోగిని రోగిలా చూడొద్దండి ఒక మానవత్వంతో అయ్యా వచ్చింది కదా పాపం జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్పి చెప్పాలి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అంతేగాని కరోనా వచ్చింది అనగానే ఏదో భయంకరమైన వ్యాధి వచ్చింది అంటే చేదు జాగ్రత్తలు పాటించుకొని अत नये चेयले महबूबनगर टेस्ट किसी प्रारंभिस्ट अंचल अंचल का तुंदर मल्ले हास्पिटल कटबो महबूबनगर हैदराबाद तरह महबूबनगर मैं डाक्टर इंत चला रिस्क पे मैं रेप रिस्क पेरे दैवत सामान प्रजा का मेरे कब्बंदी एवर वार्ड बॉय डाक्टर अंदर प्रमुख पत्र वह मैं कि प्रारंभ तरह गुंत नग्गू वाटिंग ज्वर फुल श्वास आता टेस्ट इकने ट्रीटमेंट पक् बिल्ली सपरेट बिल्ली ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इतम इकने मूव पड़ता होम क्वारंटन वाल इंटमेंटे अर्पट दी अंदर सदुपयोग आज हैदराबाद में सुबह से हो रही मौसलाधार बारिश की वजह से शहर के नशीबी इलाकों और कई मकामात के सड़कों पर काफ़ी मकदार में पानी के जमा हो जाने से इलाके की आवाम को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी के जमा हो जाने की वजह से आमदरफ्त में खलल देखा गया है। पेश है इसी पर हमारे हैदराबाद नुमाइंदे जफर खां की ये रिपोर्ट। गुरुकुल ट्रस्ट के अराजियात पर तामीरात को नाजायज करार देते हुए आज जीएमजीएमसी और इदारों ने पुलिस की मदद से भारी मशीनरी के साथ इंतजामी कार्रवाई की। इस कार्रवाई को रोकने के लिए मकामी कॉरपोरेटर और आवाम ने नाकाम कोशिश की। आवाम का इजदहाम जमा हो जाने पर कार्रवाई में थोड़ी मुश्किल जरूर आई, लेकिन पुलिस ने हल्के लाठीचार्ज के जरिए आवाम को चलता बनाया। जीएचएमसी अधिकारियों का कहना था कि 6 बार नोटिस जारी करने के बाद भी यहां से कब्जा नहीं हटाया गया। दो दिन कबल हमने हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया दवाखाने में बारिश के पानी के दाखिल होने की खबर बताई थी। इसके बावजूद दवाखाने के अमले ने पानी के दाखिलों को रोकने की कोई तदाबीर अख्तियार नहीं की, जिसकी वजह से आज भी हैदराबाद में हो रही मौसलाधार बारिश के बाद कदीम इमारत के कई वार्डों में बारिश का पानी भर आया है, जिससे दवाखाने की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है। हॉस्पिटल के अमला ही नहीं, वहाँ मौजूद मरीजों और आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि चादरघाट पुलिस ने एक अहम कार्रवाई में कोरोना के मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात की कालाबाजारी करने वाली गैंग को बेनकाब किया है। इस खसूस में
आठ अफराद के वेंकट सुब्रमण्यम, संतोष कुमार, मोहम्मद शाकिर, के किशोर, राहुल अग्रवाल, गगन खुराना, सैफ अली मोहम्मद, फिरदौस मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से भारी तादाद में इंजेक्शन और टैबलेट्स के साथ 55,000 रुपये जब्त किए गए हैं। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। उसके तरफ से चादरघाट पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर एक इंटर स्टेट ब्लैक मार्केटिंग गैंग जो इमरजेंसी ड्रग का ब्लैक मार्केटिंग करता था, उस पूरे क्रिमिनल गैंग को अरेस्ट किया गया। इसमें टोटल 8 मेंबर्स का अरेस्ट हुआ और इसके साथ जो रिकवरी हुआ है आइटम्स, उसमें 51 रेमडेसिविर 100 mg इंजेक्शन, 9 एक्टेमेरा 400 mg इंजेक्शंस, 480 mg इंजेक्शंस, नेट कैश 55,000 और टोटल वर्थ 35,50,000 वर्थ का रिकवरी हुआ। ये पूरे मेडिसिन्स इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में एज इमरजेंसी मेडिसिन का यूज होता है, जिसमें यूएसए, इंडिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे देश में भी इसका यूज हो रहा है। ये कोरोना ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन के टाइम को शॉर्ट करके रिकवरी फास्ट करता है, ये मेडिसिन का ये यूज है। जो अरेस्टेड क्रिमिनल्स हैं इसमें जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे, उनका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है। के वेंकट सुब्रमण्यम एलियस फनी, एज 36, सर्जिकल बिजनेस करता है सिकंदराबाद में। संतोष कुमार एज 39, बिजनेस ऑक्यूपेशन मुशीराबाद। मोहम्मद शकीर एज 34, मेडिकल एजेंसी फील थाना हैदराबाद। के किशोर मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर मुशीराबाद हैदराबाद। राहुल अग्रवाल नारायण गुड़ा हैदराबाद। गगन खुराना एज 21, कमीशन एजेंट शाहदरा दिल्ली। ये मेन ब्लैक मार्केटिंग करता है और दिल्ली से भी इसका लिंक है। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की किल्लत को दूर करने के कर से साइबराबाद पुलिस की जानिब से वक्फे वक्फे से खून के अतिया कैंप मुनक्किद किए जाते रहे हैं। आज भी कमिश्नरेट के परेड ग्राउंड में सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल और रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर अहतमाम एक मेगा खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद जनाब VC संजनार ने किया है और खुद इन्होंने भी खून का अतिया दिया है। इस मौके पर कमिश्नरेट के तहत काम करने वाले पुलिस अफसरान और आवाम ने भी खून का अतिया दिया है। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। संतोष అనిపిస్తుంది, ముఖ్యంగా ఈ ఒక కార్యక్రమం అరేంజ్ చేసిన మన ఎడిషనల్ డిసిపి మాణిక్రాజు ఆయన బృందానికి, ముఖ్యంగా మన ఈ మొత్తం ఈ ఆర్గనైజ్ చేసిన మన సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ కృష్ణ, రమేష్ వేరే రమేష్ రమేష్ మొత్తం మన టీసీఎస్ రెడ్డి అండ్ మొత్తం సెపరేటరీ టీమ్, లలిత అండ్ అదర్స్, నరేందర్ దేవడన్న గ్రేట్ జాబ్, ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. బాగంటే బాగా చేశారు. ఎందుకంటే లాస్ట్ గత 15 రోజులకి మీ అందరితో మాట్లాడము, ఇంకా డాక్టర్స్ తో మాట్లాడము, ఇక్కడ మన వంతు కోఆర్డినేట్ చేయడము, ఇదంతా బాగా చేసినారు అందరూ. మన మాణిక్రాజ్ అండ్ హిస్ టీమ్ అండ్ ఆల్సో కృష్ణ అండ్ హిస్ టీమ్ దేవడన్న గ్రేట్ జాబ్. అందరు కూడా తెలుసు ఈ ఒక విపత్కర పరిస్థితిలో, ముఖ్యంగా మనం ఆల్మోస్ట్ మార్చ్ 23 నుంచి దేశం అంతా లాక్డౌన్ కు వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు మనకు సెకండ్ వీక్ లో మనకు ఈ రక్తం బాగా షార్టేజ్ ఉంది, నిలువులంతా తగ్గిపోతున్నాం. చాలా మంది థాలసీమియా పేషెంట్స్, క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ముఖ్యంగా కొంతమంది. नलगुंडा जिले में नलगुंडा और कनगाला मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान में आज मकामी MLA भोपाल रेड्डी और जिले परिषद चेयरमैन बन्ना नरेंद्र के हाथों शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीमात और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर भोपाल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हमेशा ही गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म अमल रही है और चीफ मिनिस्टर KCR ने हमेशा ही आवाम की भलाई के लिए फिक्रमंद रहे। रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर V. श्रीनिवास गौड़ ने आज शहर में शदीद बारिश की वजह से जिले कलेक्टरेट के रूबरू पानी के ठहराव का जायजा लिया है।
صدرنشین بلدیہ محبوب نگر اور کمشنر بلدیہ کے ہمراہ انہوں نے بارش کی پرواہ کیے بغیر ہی اس علاقے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عہدیداروں کو بھی سخت ہدایتیں دیتے ہوئے کہا کہ اس پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس علاقے میں پل کی تعمیر اور سڑک کی تعمیر کا بھی کام جاری ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی سٹی انڈیا نیوز کے بلٹن آئینہ دکن کی خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ دینوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔